हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा से सरकार और किसानों के बीच पिछले 14 महीने से चल रहा टकराव खत्म होने की उम्मीद बनी है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं, वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं देगा। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दिन पर दिन बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक के बाद अब टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। देश भर में टमाटर 100 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि फेस्टिवल सीजन बीतने के बाद सब्जियों के दाम कम होंगे, लेकिन उल्टा वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। नई दिल्ली में स्कूल कॉलेज खोलने का इंतजार कर रहे पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकार ने वायु प्रदूषण की वजह से बंद किए स्कूल कॉलेजों को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके अनुसार अब अगले सप्ताह से यानी कि 29 नवंबर 2021 से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। केरल में हालात अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाए हैं। इस बीच केरल में एक नए वायरस की दस्तक से हड़कंप मच गया है। केरल में नोरो वायरस के 13 नए मामले की पहचान हुई है। दक्षिण भारत इस वक्त भारी बारिश के चलते बनी हुई बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। पिछले कई दिनों से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्र की तरफ से भी दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों को मदद का भरोसा जताया गया है। मौसम के ताज़ा अपडेट की बात करें तो तमिलनाडु में आज भी भारी बारिश हो सकती है। उधर कर्नाटक सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। आधार नियामक यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की तरफ से एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स के स्मार्टफोन को यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में स्वीकार किया है कि देश के आर्थिक हालात बेहद खराब है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। बढ़ता विदेशी कर्ज और कम कर वसूली राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। हाल में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के एक शीर्ष अधिकारी के खिलाफ यौन पीड़न का आरोप लगाने वाले टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई के गायब होने की खबर सुर्खियों में थी। अब संयुक्त राष्ट्र ने चीन की महिला पत्रकार और पूर्व वकील झांग झान ने उत्पीड़न पर चिंता जाहिर की है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।